सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी जो डिफेंस सेक्टर के शेयर है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ में डिस्कस करेंगे BDL, जहां पर 4% की गजब की रैली हमें देखने को मिल रही है। 4.5% से 5% स्टॉक उछला है और HCL भी ऑल टाइम हाई पर है, BEL भी ऑल टाइम हाई पर गया आज, और जो BDL है ये भी ऑल टाइम हाई पर है। तो इन शेयरों में काफ़ी शानदार रैली है और आगे भी रैली बरकरार है। बजट भी आ रहे हैं ना, आगे भी बजट से पहले इन शेयरों में एक्शन है और बजट के बाद भी आप लोग देखोगे इन शेयरों में एक्शन होगा। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ऊपर थोड़ा बहुत आता है नीचे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इन शेयरों को होल्ड करना है, ठीक है। डर कहाँ पर है? डर है उन शेयरों में जो ऑलरेडी बहुत खतरनाक रैली दिखा चुके हैं, जैसे कि कोचिंग शिपयार्ड और मजगांव डॉक, उन शेयरों में बहुत खतरनाक तेजी बन चुकी है पिछले 2-3 दिन में। आप लोग देखोगे बहुत शानदार रैली, लेकिन ये स्टॉक आप लोग देखो अभी नीचे से टूटकर फिर से चल रही है। तो इन शेयरों में अच्छी रैली बनना अभी बाकी है। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके चार्ट्स के हिसाब से क्या कुछ आगे के मोमेंटम बनेंगे, और यहाँ पर कुछ खबरें भी आई हैं, चलिए वो देखते सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो दलाल स्ट्रीट की, जो दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग देखोगे मल्टीबैगर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी बैग्स न्यू ऑर्डर वर्थ रेट 14,47,80,000 फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यानी कि आप लोग देखोगे भी जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, इसको जो ना भी आप लोग देखोगे 14,47,80,000 का जो ना भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से ऑर्डर मिला है। तो BEL ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया भी, तो किस कंपनी को दिया? यहाँ पर देखोगे भी तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड को, यानी TAAL को कंपनी की तरफ से एक ऑर्डर मिला 14,47,00,000 यानी 14.5 करोड़ के आसपास का। तो ये एक खबर आते हुए नजर आई है अभी, जो कि ताल के लिए अच्छा है, TAAL के लिए ठीक है और बेल इसके लिए भी ठीक ही है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड खबर। तो दूसरी खबर आप लोग देखोगे भी यहाँ पर बजट 2024 फ्रॉम बेल टू टाटा स्टील 3 स्टॉक्स बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम द अपकमिंग बजट। तो 3 शेयरों को जो ना अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं इस अपकमिंग बजट्स में। 22 तारीख के आसपास बजट आएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेल को इसके अंदर रखा गया, टाटा स्टील को इसके अंदर रखा गया है, और जो तीसरा सेक्टर भी वो है रेलवे। तो इन शेयरों में आपको जो ना अभी काफ़ी अच्छे मूव आते हुए नज़र आ सकते हैं इस बजट के चलते। तो इन्हें आप लोग डिटेल में वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना भी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आखिरकार आगे कैसे रहेंगे भी इन शेयरों के लेवल वगैरह चार्ट्स के हिसाब से। सबसे पहले देखते भी भारत डायनामिक्स लिमिटेड 4.5% से 5% की रैली स्टॉक में आज के दिन हमें देखने को मिली है। काफ़ी शानदार रैली स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है अभी इसका। कल की वीडियो मैंने आपको कल ही बोला था कि स्टॉक ब्रेकआउट के नज़दीक, और ये इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देते हुए नजर आएगा। वन आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखो ट्रायंगल पैटर्न बना ना इसके अंदर, ऊपर में काफ़ी टाइम से ये रेजिस्टेंस बना हुआ था 1600-1650 रुपये के आसपास का। स्टॉक ने आज इसे ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन किया हुआ है। इसके यहाँ से ऊपर में जाने के चांस है भी लगभग, आप लोग देखोगे भी 1900 से 2000 रुपये, ये टारगेट हम लेके चलेंगे भी इसके रिजल्ट तक जो आगे आएंगे। रिजल्ट और बजट के आसपास तक स्टॉक ये हमें लेवल दिखा सकता है 1900 से 2000। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपकी होल्डिंग है तो पेशेंस रखिए, बनाए रखिए। नीचे में सपोर्ट बात करें तो 1408 का और 1253 ये सपोर्ट भी बने हुए हैं, अच्छे सपोर्ट है। लेकिन इससे पहले आप लोग देखोगे जिसको इसे नहीं लेना ज़्यादा, वो 1600-1650 के सपोर्ट का भी यहाँ पर लेके रख सकता है, उसके ऊपर मर्जी है भाई। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में तेजी बनेगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो यहाँ पर देखो भी ब्रेकआउट तो HCL में भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। आज मार्केट में थोड़ा सा दबाव है HDFC बैंक की वजह से, आप लोग देखो पूरी मार्केट में हलचल देखने को मिल रही है। यहाँ पर HCL वैसे पॉजिटिव अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक आज जो हमें ऊपर में लगभग 5600 के ऊपर में स्टॉक निकलते हुए नजर आया आज के दिन, और जो इसका ब्रेकआउट लेवल था भी वो लगभग 5500 के आसपास का था। स्टॉक ने ब्रेक किया और ब्रेक करके अभी के टाइम ऊपर में है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे ट्रायंगल पैटर्न इसका फॉर्म हुआ है, तो इस ट्रायंगल को इसने ऊपर में ब्रेक किया है। और टारगेट्स की बात करें तो ऊपर में आप लोगों को पता होगा अभी 5700 रुपये से लेकर 6000, ये टारगेट हम जो है अभी बजट और रिजल्ट के आसपास तक लेकर चलेंगे। तो ये लेवल स्टॉक में हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत अगर स्टॉक ऊपर से फिसलता है, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है, तो पैनिक नहीं होना है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सपोर्ट लगभग 5100 के आसपास का सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद नीचे में 5000 का भी सपोर्ट है, और 5000 के सपोर्ट का अगर हम लेके चलते हैं तो ऊपर में टारगेट हम लेके चलेंगे अगले 6 महीने के लगभग 6.5 से 7000 रुपये के आसपास के। तो इसके टारगेट अच्छे हैं भाई, लॉन्ग टर्म में स्टॉक चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब बात करते हैं हमारे फेवरेट स्टॉक को लेकर। हमारा फेवरेट स्टॉक है अभी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्टॉक को 160, 170 इस रेंज में मैंने बोला था, और अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक कहां पर आया हुआ है। एक जबरदस्त एक्शन स्टॉक में हमें देखने को मिला है, चाहे वो आप लोग देखोगे इसका अगर बात करें मार्च के आसपास जब मैंने स्टॉक आपको बोला था हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वो ये स्टॉक 200 रुपये के भी नीचे में था, 190, 180 उस रेंज में था, और वहाँ से आप लोग देखोगे आज शेयर पहुँचा हुआ 320 के ऊपर में। आज फ्रेश बाउंड्री खाए भी स्टॉक ने बनाया 327 के आसपास, 326-327 के आसपास का, ठीक है। और इसके बाद आप लोग स्टॉक में थोड़ा बहुत ऊपर से है भी प्रॉफिट बुकिंग, कोई दिक्कत नहीं है, 320 को ब्रेक कर दिया है और ऊपर में सस्टेन किया है। अब इसके चांस है ऊपर में 350 और 380, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बजट और रिजल्ट्स के आसपास, तो ये टारगेट हमें आते हुए नजर आएंगे। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो भाई 300 रुपये का सपोर्ट है, जिसको रिस्क नहीं लेना है वो 320 का जो आज इसका रेजिस्टेंस था इसने ब्रेक किया, ये भी आप लोग पकड़ के चल सकते हो। और बाकी देखते भी स्टॉक में हम बिल्कुल बुलिश है, तीनों शेयर जो मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं आपको, HL, BDL और BEL, ये तीनों शेयर आने वाले टाइम के धुरंधर साबित होने वाले हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। शॉर्ट टर्म में आपको जो ना भी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, ऑल टाइम हाई पर है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, HDFC पहले से टूटा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।